आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन ये है जी कि कुछ दिन पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब ये 18 तारीख को अमृतपाल सिंह भगौड़ा हो गया और हमारा स्टेट वाइड क्रैकडाउन चल रहा था इसको अरेस्ट करने का, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका एक बहुत ही क्लोज सर्कल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से चलता है एक व्यक्ति, उसका वो हमारे खन्ना जिले में पायल सब डिविजन में उसका गांव मांगेवाल पड़ता है, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी रेलिवेंट है कि हमें हेल्प हो सकती है। तो उसी टाइम मैंने अपनी टीम लेड बाय एसपीडी प्रज्ञा जैन आईपीएस और अलोंग विद द डीएसपी पायल हरसिमरत चैत्रा और एसएचओ जो उस एरिया के एसएचओ हैं मलौद के, सब इंस्पेक्टर लखवीर, हमारे सीआई इंचार्ज के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह, हमारी सारी टीम्स ने ज्वाइंटली टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम इस पे लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी इसका जो क्लोज एसोसिएट है उसको अरेस्ट करना है, और 22 तारीख को हमें ये जो तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा है इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 42 ईयर्स का है, ये विलेज मांगेवाल पीएस मलौद पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना का रहने वाला है, और इस पे हमने पहले 188 आईपीसी का एफआईआर लॉन्च किया क्योंकि प्रिलिमिनरी हमें इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इसके सोशल मीडिया पे विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस इसके वीडियोस और फोटोज थी जिसमें ये असले को फ्लॉन्ट कर रहा है, ब्रांडिश कर रहा है और अमृतपाल के पीछे खड़ा काफी जगह मिलता है, तो हमने एफआईआर लॉन्च करी। और उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पे पहले भी दो एफआईआर दर्ज हैं, एक 2011 में एक्साइज केस का एफआईआर लॉन्च हुआ था पुलिस स्टेशन पायल में जिसमें इसको कन्विक्शन और 500 रुपये जुर्माना हुआ था, उसके बाद 2012 में इस पे 323-324 आईपीसी का एफआईआर हर्ट केस का रजिस्टर हुआ था जिसका बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज कैंसलेशन रिपोर्ट भर दी गई थी। ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है उसका बहुत ही क्लोज मेंबर है और ये उसकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम में उसकी सिक्योरिटी इंट्रस्ट की गई थी इसको। ये आनंदपुर खालसा फौज जो रिसेंटली अमृतपाल ने बनाई है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था और इसको रेज किया गया था अमृतपाल सिंह का की तरफ से एक आर्म स्ट्रगल वेज करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। ये अमृतपाल के कांटेक्ट में एक विक्रमजीत सिंह खालसा नाम के व्यक्ति के थ्रू आया था जो इसको जब दिल्ली में किसान मोर्चा चल रहा था वहां पे इसको मिला था। उसके बाद ये जलूपुर खेड़ा अराउंड 5 महीने पहले गया था क्योंकि ये इसके कहने के मुताबिक ये पहले नशे में पड़ा हुआ था और इसको इंस्पायर हुआ कि शायद अमृतपाल सिंह नशा छुड़वाता है, तो इसने जो जलूपुर खेड़ा में अमृतपाल ने नशा छुड़ाऊ का काम शुरू किया वहां पे ये गया और कुछ देर बाद इसको अमृतपाल सिंह ने अपनी सिक्योरिटी जो बनाई है ग्रुप उसमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम में ले लिया। इसमें इनको एकेएफ जो लोगो थे वो लगे हुए थे इनके वेपन्स पे जो हमें पता चला है, और इनकी रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस भी वहां पे हो रही थी जलूपुर खेड़ा में और अदरवाइज भी इनको ड्रिल दी जा रही थी कि किस तरह अपने आप को फिट भी रखना है, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है इस तरह की सारी इनकी प्रैक्टिस हो रही थी। ये अजनाला में जो इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन अजनाला उस वाले केस में भी अमृतपाल सिंह के साथ ही था और ये खालसा वहीर जो उसकी चली थी उसमें भी उसका खास बंदा था। इसको सारी ही जो अमृतपाल सिंह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज की प्लानिंग थी और इन्फॉर्मेशन उसके सारे क्लोज एसोसिएट्स की इसके पास है और ये सबको ही इन पर्सन जानता है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी पता चला है कि ये जितने भी मेंबर्स थे अमृत आनंदपुर खालसा फौज के इनको बेल्ट नंबर असाइन किए गए थे AKF, जैसे ये जो तजिंदर गोरखा है इसकी फोन में जो हमें फुटेज या फोटोज वीडियोज मिली है उसे पता चला है कि ये जो तजिंदर गोरखा है इसको AKF-3 नंबर असाइन हुआ था, किसी को AKF-56 किसी को AKF-47, इस तरह मे बी इनकी सीनियोरिटी या क्लोजनेस टू अमृतपाल सिंह के हिसाब से इनको असाइन की गई थी और शायद इनको सैलरीज भी मिलती थी जो अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। और जो ये मेंबर्स थे ये ज्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे, जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था और इस तरह इनको पहले वहां रखा जाता था फिर धीरे धीरे इनको इंडॉक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो तजिंदर गोरखा इसने बताया कि एक गुरभेज सिंह उर्फ पेजा जो ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है इसने 10 बुलेट प्रूफ जैकेट्स अरेंज की थी 2 महीने पहले, उनपे AKF मार्क था और यही वेपन ट्रेनिंग और मार्शल ट्रेनिंग में भी मेनली इन्वॉल्व था न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स को। जो हमें इसमें वीडियोस मिली है उसके फोन में इससे पता चल रहा है कि इनको वेपन
असेंबल करना, डिसेंबल करते हैं या उनकी क्लीनिंग करना, इस तरह की सारी प्रैक्टिस दी जा रही थी। और तजिंदर गोरखा की भी वीडियोज है जिसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये वेपन असेंबल, डिसेंबल और क्लीनिंग कर रहा है। एक और इनका कोर मेंबर था हरसिमरन सिंह हुंदल उर्फ लाभ सिंह उर्फ टाइगर। ये जो अमृतपाल सिंह की सिक्योरिटी का चीफ कोऑर्डिनेटर था, ये सारे उसके वेपन्स का ध्यान रखता था और असाइन करता था डे टू डे बेसिस पे कि आज कौन सा वेपन किसको मिलना है। और जितने भी वेपन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे उन सब पे AKF का होलोग्राम बना हुआ है, जो मैं आपको फोटोज में भी दिखा दूंगी। और कुछ वेपन्स में तो लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप भी अफिक्स की गई है, जो हमें फोटोज में नजर आ रहा है। सो इसका जो फोन था उसके एनालिसिस से ये पता चला है कि इनका प्लान था, इन्होंने कुछ प्रपोज्ड खालिस्तान स्टेट का एम्बलम भी प्लान किया हुआ था, जो उनका स्टेट एम्बलम और लोगो बनना था। और कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था, जिसकी फोटो हमें मिली है। और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं, और मेंबर्स हैं जो AKF के मेन, उनकी काफी सारी फोटोज मिली हैं जिसमें उन्होंने AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, और जो वेपन्स है उस पर भी AKF का लोगो लगा हुआ है। और हमें कुछ वीडियोस मिली हैं जिसमें ये फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है तजिंदर गोरखा, और कुछ और भी उसमें AKF के मेंबर्स हैं जिनको अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। और ये उसमें कहीं पे अपनी पुशअप्स कर रहा है, कहीं पे वेपन क्लीनिंग कर रहा है, इस तरह की वीडियोस हैं। और कई जगह ये लोग खाना खा रहे हैं मेन मेंबर्स, और AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह की भी वीडियोस हमारे को इसके फोन में मिली है। और एक पाकिस्तानी नेशनल का ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें इसमें मिला है, विच वी विल सी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका क्या पर्पज था। सो इस तरह हमने ये, हमारी खन्ना पुलिस की टीम गाइडेड बाय आर DGP पंजाब, हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली इसको, जो अमृतपाल सिंह का क्लोज एसोसिएट है, उसको टाइमली पकड़ के उसके फोन में साइंटिफिक एनालिसिस से बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस हुई हैं जिससे इनका सिनिस्टर डिजाइन पता चला है, जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज की प्लानिंग कर रहे थे और आगे इनका प्लान था जो हमने प्री एम्प्ट किया है। और आगे हमारी तफ्तीश जारी है, एंड आई एम श्योर कि हमें इसके और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो किरदार हैं इनके, जो एसोसिएट्स थे, उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और इनके क्या प्लान्स हैं उसका पर्दाफाश किया जाएगा। थैंक यू।